आज की वीडियो कम्प्लीटली होने वाले बिगिनर्स के लिए, और यदि आपके अभी तक सेल नहीं आई तो भी मैं आपसे कहूंगा कि आपको इस वीडियो को फुल वॉच जरूर करना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूँ वो रियल बता रहा हूँ। एक ऐसी ट्रिक है जिस पर आपको एक बार काम करना है और वहां से आप कंटिन्यू सेल जनरेट कर सकते हो, यानी कि आपको ऑनलाइन कॉपी पेस्ट करना है, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं देना है। यहाँ कोई आपको वेबसाइट की जरूरत नहीं है, ना ही आपको यहाँ पर किसी इंस्टाग्राम पर बार बार पोस्ट डालने की जरूरत है, ना ही आपको फेसबुक पर, पिंटरेस्ट पर, ट्विटर पर टाइम देने की जरूरत है। यानी कि सिंपल सा प्रोसेस है, सिंपल से फॉर्मूला है, सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट का। और दोस्तों यह हम प्रमोट करेंगे एक ऐसी वेबसाइट पर क्लिकबैंक के प्रोडक्ट को, जिस वेबसाइट पर एक ऐसे यूजर्स आते हैं जिनको उस प्रोडक्ट की नीड होती है। यानी कि बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है। और दोस्तों इस वीडियो के थ्रू आप $100 दे तक की अर्निंग कर सकते हो, यानी कि आप $100 रोजाना की कमा सकते हो, यानी 7,500 से 8,000 रुपए रोज कमा सकते हो सिर्फ एक छोटे से प्रोसेस को फॉलो करके। इसलिए सिर्फ एक ही बात कहूंगा, आपको इस वीडियो को फुल वॉच करना है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना यदि चैनल पर नए हो तो, क्योंकि यहाँ मेरे चैनल पर मैं फ्री मेथड के साथ में अर्निंग करने के बहुत से नए नए सोर्स लेकर के आते रहता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर मैं नई नई ट्रिक बताते रहता हूँ कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर के सहारे से अर्निंग कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों बढ़ते फटाफट कंप्यूटर के स्क्रीन पर, जहां हम स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस समझेंगे। तो दोस्तों मैं यहां आ चुका हूं अपने क्लिकबैंक के मार्केटप्लेस पेज पर, और यहां हम एक निश फाइंड करेंगे। अब दोस्तों निश फाइंड करने से पहले मैं आपको इस वेबसाइट के बारे में बता देता हूं, जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था कि भाई वहां पर मिलियन ट्रैफिक आता है, और जहां आपको एक बार प्रोडक्ट को प्रमोट करना है और वहां से आप लाइफ टाइम तक सेल जनरेट कर सकते हो, यानी कि आप वहां से कंटिन्यू सेल लेकर आ सकते हो बिल्कुल फ्री मेथड के साथ में, बिना एक रुपए इन्वेस्ट किए। तो दोस्तों यहाँ प्रोडक्ट सेलेक्ट करने से पहले हम इस वेबसाइट के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों वेबसाइट का नाम है voretpanda.com, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको एक बार ओपन करके आपको बता देता हूँ कि किस टाइप की वेबसाइट है, और दोस्तों मैं यहाँ आपको इसका ट्रैफिक बताऊंगा। जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि जिस वेबसाइट पर ट्रैफिक अच्छा है तो समझ लो भाई वेबसाइट जेन्युइन है। तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हो इस वेबसाइट पर आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, आर्टिकल किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, वेल्थ से रिलेटेड हो। जैसे कि आपको यहाँ पर मैं क्लिक करूँ मोर पर, तो जो आप यहाँ पर कैटेगरी देख पा रहे हो उन सबसे रिलेटेड यहाँ पर आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। अब दोस्तों ये दिमाग में आप फैक्ट करना, सोचना थोड़ा सा कि यार ऐसा कौन सा टॉपिक इनमें से है जिन पर मैं आर्टिकल लिख सकता हूँ, या फिर ऐसा कौन सा टॉपिक है जिससे हमारा क्लिकबैंक का प्रोडक्ट मैच। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने एक आर्टिकल चॉइस किया है, एक आर्टिकल देखा है फूड का, देख पा रहा हूँ यहाँ पर मैंने फूड का आर्टिकल यहाँ पर देखा है, तो क्यों ना हम फूड से रिलेटेड आर्टिकल लिखें। और दोस्तों क्लिकबैंक पर फूड से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल हैं, तो हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पर हम फूड से रिलेटेड आर्टिकल लेंगे। एस्ट्रोलॉजी है, मेक मनी ऑनलाइन है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन है, जॉब से रिलेटेड है, और यहाँ पर बहुत से टॉपिक्स और भी मिल जाएंगे जिनको आप प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने फूड का आर्टिकल सेलेक्ट किया है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें पहले एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, अकाउंट बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है, लेकिन जैसे कि उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ आपको इसका ट्रैफिक बताऊंगा, तो ट्रैफिक बताने के लिए मैं आता हूँ यहाँ पर smallerweb.com वेबसाइट पर, बोरेट पांडा के लिंक को मैं कॉपी करूंगा और smallerweb.com वेबसाइट पर मैं इसको पेस्ट करूंगा, जहां हमें वेबसाइट का ट्रैफिक बताया जाएगा, वेबसाइट की क्वालिटी बताई जाएगी, वेबसाइट किस तरह की फेक है रियल है ये बताया जाएगा। 68 मिलियन के करीब ट्रैफिक अक्टूबर मंथ में इसका रहा था। टोटल जो ट्रैफिक आ रहा है वो यूनाइटेड स्टेट से आ रहा है, यानी यूएस से टोटल ट्रैफिक आ रहा है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम से आ रहा है, कनाडा से आ रहा है और ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है। अब दोस्तों जब भी आपने क्लिकबैंक के प्रोडक्ट की एड कभी रन की होगी गूगल पर, तो आपने इन्हीं कंट्री को टारगेट किया होगा, देख पा रहे हो यहाँ पर इन्हीं कंट्री को आपने टारगेट किया होगा, जैसे यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड किंगडम है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी है, ठीक है, आपने इन्हीं कंट्री को टारगेट किया होगा। और दोस्तों अच्छी बात यह है कि इस वेबसाइट पर टोटली ट्रैफिक इन्हीं रिचेस्ट कंट्री को आ रहा है, जहाँ हमारा प्रोडक्ट इजिली सेल हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, अब यह हमें आर्टिकल लिखना है। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी सर आर्टिकल लिखना तो हमें आता ही नहीं, तो दोस्तों आर्टिकल लिखने के लिए जरूरी है कि आप आर्टिकल लिखने बैठो, यानी उसको टाइप करने बैठो, या मैं आपको बहुत से तरीके बताऊंगा, चाहे तो आप कॉपी पेस्ट करके कर सकते हो, और या फिर आप एक writer.com वेबसाइट है उसका सहारा ले सकते हो, जहाँ पर ओनली ऑन आपको टॉपिक डालना है, उससे रिलेटेड मैं आपको आर्टिकल खुद लिख करके दे देगा। और दोस्तों और भी बहुत से टूल्स हैं और बहुत सी ऐसी वेबसाइट है जिनका यूज करके और उनके आर्टिकल को हम चेंज करेंगे spinboard.com में जाकर के, ताकि हमारे आर्टिकल पर कोई कॉपीराइट भी नहीं आए और हमारा आर्टिकल इजीली रैंक भी करे, ठीक है। अब हम करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पर एक अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाना भाई बहुत ज्यादा इजीली है, बहुत इजी है। जैसे हम लॉग इन एंड रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और गूगल से हम अपना अकाउंट बना लेंगे, यानी हमें यहाँ पर एक मिनट का भी समय नहीं लगेगा और ये लो मेरा अकाउंट बन के तैयार है, यानी बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है और बहुत कम टाइम के अंदर मेरे यहाँ पर अकाउंट बन जाएगा। देख पा रहा हूँ यहाँ पर मेरा अकाउंट बन गया है, इसलिए फिनिश कर देता हूँ, ये मेरा अकाउंट तैयार। अब दोस्तों यहाँ पर हमें अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, जैसे यहाँ पर एड पोस्ट पर हम प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे, लेकिन यहाँ हम आएंगे क्लिकबैंक पर,
और हम एक निश फाइंड करेंगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा था हम फूड की निश फाइंड करेंगे। तो दोस्तों फूड की निश के अंदर हम कीटो डाइट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको देख पा रहे हैं यहाँ पर कुकिंग फूड एंड वाइन, तो मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं कोई भी निश फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर टोटली जो सारी निश है वो कुकिंग फूड एंड वाइन पर है। और चेक करूंगा सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा सेल हो रहा, तो यहाँ पर देख पा रहे कीटो रिसर्च है, ये भी अच्छा है। इसकी जो ग्रेविटी है वो 34 की है, ठीक है, और भी सर्च करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 3 प्रोडक्ट ओपन किए हैं, इनमें से आप किसी को प्रमोट कर सकते हो, तीनों कीटो डाइट से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो एग्जांपल मैं यही लेता हूँ जो मैंने फर्स्ट और किया था कीटो रिसर्च का, तो मैं इसी प्रोडक्ट को लेता हूँ। अब इस प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर कीटो डाइट से रिलेटेड आर्टिकल चाहिए। medium.com वेबसाइट है जहाँ से हमें जैसा कंटेंट चाहिए वैसा कंटेंट मिल जाएगा। और यदि आप चाहो तो अपना writer.com जो आपको दिखा रहा है rytr.com यहाँ जाकर के आप अपना आर्टिकल लिख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर medium.com को मैं ओपन करूंगा। यहाँ पर कोई अकाउंट वगैरह नहीं बनाना है, यहाँ आपको जैसा आर्टिकल चाहिए वैसा आर्टिकल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ हम सर्च में क्लिक करेंगे कीटो डाइट, तो यहाँ पर मुझे बहुत से आर्टिकल मिल चुके हैं। दोस्तों आप अगर चाहो तो यहाँ पर आप अपना आर्टिकल लिख भी सकते हो, लेकिन हम इस तरीके का आर्टिकल नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल बहुत ज्यादा कैची लिखा गया है। तो यहाँ से हम कोई भी आर्टिकल ले लेंगे, जैसे यहाँ से बहुत से आर्टिकल्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं इसी आर्टिकल को लूँगा, लेकिन यहाँ हम अपने आर्टिकल को स्पिन करना पड़ेगा। voritpanda.com पर यदि कोई पोस्ट अपलोड कर दो तो आपको यहाँ पर एक इमेज अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं एक इमेज ले लेता हूँ, पहले इमेज के लिए हम pixels.com का यूज लेंगे। यहाँ मैं सर्च करूँगा कीटो डाइट, जिसे हम थंबनेल इमेज बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थंबनेल इमेज लेता हूँ, ये इमेज ले लीजिए आप, ठीक है। अब हम voritpanda पर आएंगे और यहाँ पर ऐड पोस्ट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हम ऐड पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो पहले हमें एक इमेज अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐड न्यू पोस्ट, आपको यहाँ पर 3 तरीके बताए जा रहे हैं पोस्ट के लिए। यहाँ पर ऐड ए पोस्ट पर क्लिक करेंगे, ब्राउज फाइल, क्योंकि यहाँ पर पहले बता दिया गया था कि आपको एक इमेज अपलोड करना है, तो डाउनलोड पर आऊँगा मैं और जो भी हमने इमेज लिया था उसमें अपलोड करूँगा। ये इमेज हमने सेलेक्ट किया था, ठीक है। अब दोस्तों जैसे इमेज अपलोड हुआ तो यहाँ पर हमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आ चुके हैं। तो यहाँ पर टाइटल में क्या करूँगा, मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ से मैं इस टाइटल को कॉपी करूंगा और यहाँ मैं इसको पेस्ट करूंगा, ठीक है। अब बात आती है डिस्क्रिप्शन की, तो यहाँ दोबारा आऊंगा मैं और यहाँ से इस आर्टिकल को कॉपी करूंगा ठीक है, यहाँ तक कॉपी करूंगा और मैं आऊंगा spin.com वेबसाइट पर, जहाँ से आर्टिकल की शक्ल को चेंज कर दिया जाता है, यानी आर्टिकल यही रहेगा लेकिन कुछ वर्ड को चेंज कर दिया जाता है ताकि गूगल से उसको पहचान ना सके। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्पिन बोर्ड, यहाँ पर मैं पेज पर क्लिक करूंगा। अब दोस्तों हमारे आर्टिकल को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देगा ये, और ये हमारा आर्टिकल उन्होंने चेंज कर दिया। मैं क्या करूँगा, उसको कॉपी करूंगा, जस्ट मैंने कॉपी किया और आऊँगा panda.com वेबसाइट पर, यहाँ मैं इसको पेस्ट करूंगा, ठीक है। ये हमारा आर्टिकल आ चुका है, स्लाइड करूंगा। यहाँ पर आप चाहो तो कुछ और भी इमेज लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक ही इमेज लगाया है, चाहो तो आप और भी इमेज लगा सकते हो। अब हम दोबारा ऊपर की तरफ आएंगे स्लाइड करते हुए और यहाँ पर हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ मैं फूड से रिलेटेड कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा, तो मैं फूड पर क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे कुछ टैग डालने हैं, तो यहाँ लिखूंगा कीटो डाइट, ये ले लिया, ठीक है। इस तरीके से आप टैग ले सकते हो, टैग आप जितने चाहो उतने डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हमें लिंक डालनी है, लिंक के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा हम क्लिक बैंक पर आएंगे और यहाँ से मैं अपने प्रोडक्ट के लिंक को लेंगे, तो प्रमोट पर क्लिक करूंगा, लिंक को कॉपी करूंगा, यहाँ से ये मेरी एफिलिएट लिंक है इसको कॉपी करूंगा panda वेबसाइट पर, यहाँ मैं इसको पेस्ट करूंगा, ठीक है। सब चीज़ कंप्लीट है, मैंने यहाँ पर आर्टिकल लिख दिया है, टाइटल लिख दिया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, उसके बाद एक इमेज ऐड कर दिया है। यहाँ पर हमें कुछ कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद हमें कुछ टैग डालने पड़ेंगे जिससे कि हमारा जो आर्टिकल है वो सर्चिंग में आवे, और यहाँ हमें अपनी लिंक डाल देनी है ताकि हमारे यूजर्स ऑटोमेटिकली ऐसे अपने लिंक्स के थ्रू परचेज कर सके। यानी कि दोस्तों यहाँ पर सब कुछ ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि बहुत से आर्टिकल्स में लिंक डालने वाला ऑप्शन नहीं आता है, यहाँ हमें लिंक डालने का ऑप्शन आया है। उसके बाद मैं सबमिट पर क्लिक कर दूंगा। दोस्तों यहाँ से मेरा आर्टिकल, अब दोस्तों यहाँ पर मेरा आर्टिकल जा चुका है, ठीक है। अब मैं अपनी पोस्ट को व्यू करके देख सकता हूँ कि मेरी पोस्ट किस तरीके से शो हो रही है, किस तरीके से दिखाई दे रही है। तो देख पा रहा हूँ यहाँ पर ये मेरी पोस्ट है जो कि मैंने बनाई थी, और कितनी अच्छी मेरी पोस्ट लग रही है, देख पा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से मेरी पोस्ट शो हो रही है, लाइक और शेयर का भी बटन आता है ताकि यूजर्स इस पोस्ट को शेयर भी कर सकता है। तो दोस्तों ये छोटा सा प्रोसेस था, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो यहाँ से आपके सेल लाने के 100% चांस होते हैं। इसको जरूर फॉलो करिए ताकि आपको रिजल्ट दिखे, और दोस्तों ये बिगनर के लिए 101% सही है ताकि आपको जल्दी रिजल्ट दिखे। दोस्तों अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अर्निंग करना चाहते हो घर बैठे बिल्कुल फ्री मेथड के साथ में, मेरा खुद का कंप्लीट कोर्स है जिसके अंदर मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाया है,
जहाँ मैंने $100 डे का लाइव चैलेंज भी कंप्लीट करके दिखाया है बिल्कुल फ्री मेथड है साथ में। उस कोर्स के सारे हजारों स्टूडेंट अपने लाइफ को चेंज कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाके आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो यदि आप बिल्कुल जीरो लेवल से और एक्सपर्ट मोड तक सीखना चाहते हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ में, तब तक गुड बाय, थैंक यू सो मच।